जैसे ही हमने उथल क्रॉस किया है तो हाँ, फिर ये रोड नीचे से जा रही है क्योंकि ऊपर से पुल बह गया है, ये जो सैलाब आए थे। अच्छा, अच्छा, इसमें ये आप देखो ना, अभी पुल देखो, पुल गायब है, दिख रहा है कुछ लाइट्स में, दिख रहा है ऐसे थोड़ा सा हिस्सा मौजूद है ये पुल का, देखो पुल का हिस्सा मौजूद है, आगे से पुल सारा गायब है, ये सिर्फ पुल है और ये देखो आगे गायब है, आगे से गायब है, ये सैलाब में ये काम हुआ है कि सारा गायब है। हाँ, पुल बह गए, यानी आप इसको जरा काउंट करते जाना, रमजान फर्स्ट है क्या? नहीं नहीं, पहला पुल वो था हब वाला, हब चौकी वाला, सेकंड बड़ा, क्योंकि हम तो बाईपास से निकले ना, पहला हब है, सेकंड उथल है, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कौन कौन से आते हैं। फिर ये हम आ गए रोड पे, सही है, ये एक और डाइवर्जन आई है, पुल आ गया है हमारे सामने जी, ये भी पानी ने बहाया होगा, पुल पानी की जद में आ चुका है, बड़ी तबाही, ये देखें टूटा है, गिरा हुआ है। हाँ, ये सारा गिरा हुआ है, बिल्कुल पूरा ऐसे गिर गया पुल, बड़ा पानी आया है भाई, ये तीसरा पुल, सार खान याद है ना, गिनती पूरी होनी चाहिए उस्ताद, 49 है बेला, एकदम से थोड़ी ही देर बाद, एक से डेढ़ मिनट, ओहो बस वाले को देखें, बस वाला तो भाई फिर बस वाला है ना, ये चौथा पुल, ये पुल भी सारा टूटा हुआ, रेत पड़ी हुई है बीच में, तो माशाल्लाह बेहतरीन है भाई, लगने वगने का कोई डर नहीं होता। चौथा पुल है, चार हो गए, चार हो गए, रमजान तीन चार 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 चार, अच्छा जबरदस्त, हब वाले को मिला के चार, हाँ टोटली गिनने हैं ना हमने, ठीक है भाई चलते हैं आगे, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे एक एक ट्रक, एक एक तरफ का ट्रैफिक चला रहे हैं इधर से, सही है सीधा, ये फिर मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई पांचवा पुल, जी पांचवा पुल है ये, वो ऑल्टो लोकल वाली जो है VXL, ये लोकल वाली अल्टो, पत्थर है उसने तो ऐसा गुजारी, ये भी पुल यहाँ पे टूटा है जी, ये भी डाइवर्जन है, तो ये भी और भी डाइवर्जन है, हाँ ये देखें आप हालात, ये देखो बीच में बड़े पत्थर थे वो, उसने ऐसे घुसा ली, ये भी पुल बह गया, कौन सा पांचवा, पांचवा, पांच पुल हो गए भाई, ट्रक वाला भी ऊपर चढ़ा हुआ है उसके मुंह के ऊपर, बस वाले के, हाँ अब रिवर्स कर रहा है, ये पांचवें पुल से निकले और देखते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, ये आ गई है जी सिक्स्थ, सिक्स्थ डाइवर्जन ये आ गई है, छठा डाइवर्जन, छठा है ये, देखो पानी शानी डाला है इन्होंने, जो पानी अपने साथ बहा के लेके गया है।
हमारी वापसी तक बारिश ना आई हो तो अच्छा है। नहीं अब सातवां पुल ये बहा, ये लेफ्ट साइड दिखा हो, दिख रहा है? हाँ इसमें दिख रहा होगा। ओए ओए कैसा खतरनाक बहा है यार, इसका मतलब जगह जगह पानी आया है। सात पुल भाई तो सात पांच गए थे तो सात हो गए, सात हो गए, सात तो हमने गिन लिए ना, तो दिखाएंगे भाई हम गिनते हुए आए हैं। कोई पूछे क्वेटा क्यों गए, कहना पुल गिनने गए थे कितने टूटे। अचानक रात को बैठे बैठे प्लान बना एकदम से शाम तक। 11:20 हो रहे हैं और ये हमारे पास 8th डाइवर्जन आ चुकी है जी। Here we go। ये तो काफी बड़ा है, देख रहे हो कितने पाए होंगे नीचे। हाँ, कितने गहरे होंगे जो है। नहीं नहीं वो तो है, बल्ला जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई, कमजोर हो गया होगा ये, पता नहीं है। ग्यारह पच्चीस हो रहे हैं। घर से दूध पत्ती चाय बना के लाए थे थर्मास में, क्योंकि मुझे पता है इधर आगे फिर अच्छी चाय तो मिलेगी नहीं। जो क्वेटा की चाय मशहूर है वो कराची में मिलती है, क्वेटा में कोई चाय वाला हमने ऐसे नहीं देखा था। कराची में जैसे जगह जगह क्वेटा होटल है ना चाय पराठे के, बेहतरीन चाय मिलती है, क्वेटा में कोई नहीं था चाय का सीन। तो ये घर से थर्मास बना के रखा है एज यूजुअल, जैसे हम रखते हैं ट्रिप में। तो ये अब मैं इस सुनसान रास्ते में चाय एंजॉय कर रहा हूँ। रमजान खान ने चाय दी है और ये अभी आपको बताते हैं कौन सा कितना ये डिस्टेंस है। वर्ड जो है वो है कितना 96, खुशदार 164 और क्वेटा है 465। मज़े मज़े से जा रहे हैं एंजॉय करते हुए, गाने सुनते हुए, अंधेरे सुनसान रास्ते में। कोई जिन्हें भूतों के किस्से भी, पिछले ट्रिप के भी अंधेरे के किससे, तो पिछले ट्रिप में अरमठ साहब तो गए नहीं थे, ये पढ़ रहे थे वो किससे भी इनको सुनाते हुए। बस मजा आ रहा है सुनसान रास्ते में, मैं गद्दे भी हिलने लग रहे थे। दिख रहा है बड़ा ऊंचा नीचा रोड है ये, ऊपर से ऐसे नीचा है, ज़िगज़ैग जरा इसमें भी, जीपीएस में भी देखो ये ऐसे ऊंचा नीचा, और ये रोड अच्छा है है सुनसान। सिर्फ हमारी ही कार जा रही है, बाकी सामने से कोई ट्रक श्रक आते हैं सुबह आते हैं बस, बाकी हम लोग ही जा रहे हैं बस। खुशदार 70 जा रहे हैं जी, हम अपना रास्ता कंटिन्यू करते हुए। रमजान खान जाग रहे हैं, रमजान खान कैसा है? ठीक है, मैं स्कूल कर रहा जंप। 12:30 हो गए रात के, 70 किलोमीटर है खुशदार, और ये आगे जो आबादी आ रही है ये है वट। वट कहलाती है जगह, अभी भी 370 है क्वेटा। और जी इस वक्त 1:30 बज रहा है रात का और खुशदार हम लोग पहुंच चुके हैं। ये खुशदार का बराबर में वो है फेमस होटल जहाँ पे हमने खाना भी खाया था अपने लास्ट ट्रिप में, और अच्छी खासी यहाँ पे ठंड है। ये ऑल्टो हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन, छोटी गाड़ी के तौर पे बेहतरीन आई है यहाँ तक, और
जाहिर है कि 1:30 बज चुका है तो मार्केट वगैरह तो सारी बंद है, नहीं तो वक्त दुकानें वगैरह यहाँ पे रश वगैरह होता है दिन में। PSO का ये पेट्रोल पंप है, खुशदार हम लोग पहुँच चुके हैं, 1:30 बज रहा है अभी भी, आगे अच्छा खासा हमारा सफ़र रहता है। ये बात है। तो पता नहीं था, ये इधर था वो बाइकों का तो काफी आगे था ना, जहाँ से वो मटका वगैरह भी लिया था है ना यार, वो तो कोयटा था। तो फिर कौन से की बात कर रहे हैं, इधर भी एक पता नहीं उसका, मुझे नहीं पता, वो हम रुके नहीं थे वहाँ पे, या रुके होंगे तो फिर रुके होंगे बारन, वो तो बाइकों एक ही था जो हमने वो किया था। खैर जी, 1:30 बज चुका है, हम लोग खुशदार पहुँच चुके हैं और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। मैं अगर आपको अपने आप को भी दिखाऊं तो मैंने इस वक्त अपर पहना हुआ है और फुल कवर्ड है। रमज़ान खान ने भी स्वेटर चढ़ा लिया है, पता नहीं इस वक्त दिख रहा है कैमरे में या नहीं दिख रहा है, रमज़ान खान ने भी स्वेटर चढ़ा लिया है तो अपर और स्वेटर वगैरह हम लोगों ने पहन लिया। अच्छी खासी यहाँ पर ठंड है खुशदार में, तो कोयटा मतलब कराची से भी जो टेम्परेचर कराची में होगा उसके और खुशदार के में डबल का फ़र्क हो गई होगा। ये बात है तो कोयटा वगैरह तो आगे और ठंड होगी, ज़्यारत भी होनी चाहिए और ठंड, चाय वगैरह पीते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा फ्रेश हो के तो फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। खुशदार में ही हम थोड़ा आगे आए हैं तो ये बाइकों का पंप है, यहाँ से पापा ने कहा था कि काफ़ी लोग डाल रहे होते हैं पेट्रोल तो हम लोग भी यहाँ से ही डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि भाई ईरानी नहीं डालना है, क्योंकि वो ईरानी थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अंदर फिर पेट्रोल ख़राब होता है। ये हमने पेट्रोल डाला है 4700 का, 20.84 ये पेट्रोल आया गाड़ी के अंदर, समझे 4700 के अंदर हमारी ऑल्टो कराची से खुशदार आ गई है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि पेट्रोल का रेट ही आप देख लेंगे 225 रुपये तो पेट्रोल का रेट है, तो उसके अंदर 4700 रुपये में सिर्फ कराची से खुशदार आना तो लाइक ठीक है, अच्छा है, सही है, 20 के आसपास का एवरेज गाड़ी दे रही है, वो भी बहुत अच्छा एवरेज है, ये बात है। तो ठंड इस वक्त काफ़ी हो रही है, 1:45 बज रहे हैं, ठंड इधर खुशदार में काफ़ी है, हो सकता है कि दिन में जब धूप निकलती हो तो थोड़ी बहुत जो है वो टेम्परेचर प्राइस ऑब्वियसली वो तो करेगा ही, लेकिन ये है कि हाफ स्लीव्स में गुजारा हो जाता हो, लेकिन अभी तो ये है कि आपको अपर या फिर जैकेट की मस्त ज़रूरत है, ये बात है। फिर यहाँ की हवा भी खुश्क होती है तो आपको जो है ना वो सॉक्स वगैरह या उसका ग्लव्स तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन सॉक्स का मस्त इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपकी स्किन मतलब जल्दी फटती फटाती है, ड्राई होती है, तो इसलिए फुल हो गया। रमजान खान ठंड है, हाँ जी दिन में गर्मी होती है कह रहे हैं। अच्छा ना, दिन में गर्मी हो जाती होगी लेकिन रात में ठंड है ना, एरिया भी इस तरह है ना, तो बस फिर आगे चलते हैं अभी।